क्या आपके पति बदल चुके हैं क्या आपके पति पहले जैसे नहीं रहे क्या आपके पति आपसे उखड़े उखड़े रहते हैं क्या आपके पति आपको खिंच खिंच के पहनते हैं कट कंफर्टेबल <laughs> <laughs> होके बैठ जाती हूँ क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट करनी है गलिया हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हाल चाल है उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे अगर अच्छे नहीं है तो आज की वीडियो देख के जरूर से अच्छे हो जाएंगे अगर आप चाहते हैं कि आपके पति आपसे प्यार करें और आपको अपने दिल की रानी बना लें और हमेशा आपके बारे में सोचते रहें और अगर आपकी शादी बहुत पुरानी हो चुकी है ताजी ही तर्रार सब्ज़ी की तरह फ्रेश हो जाए और अगर आपका बॉयफ्रेंड पहले जैसा नहीं रहा उससे प्यार के चंगुल में कैसे फंसाएं इन सारे ब्यूटीफुल टॉपिक्स पे बात करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देखते रहें एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या इनमें से एक अद्दी गल भी सीखने के लिए मिलती है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अपने प्यारे मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ एंड कमेंट बार में अपने प्यारे से विचार ज़रूर से बताना एंड ऑफ द डे एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक करना क्योंकि उससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है सो so वीडियो के साथ शुरू करते हैं कि कैसे हम अपने पति को अपने प्यार के जाल में फंसा सकते हैं क्या आपके पति आपको प्यार नहीं करते जब आपकी नई शादी होती है तो रिश्ता कितना क्यूट होता है वो बेशक हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जब आप पहले पहले एक दूसरे से मिलते हैं बहुत मजेदार लगता है एक दूसरे को देख के कितना खुश हो जाते हैं हम लोग पेट में बटरफ्लाईज़ उड़नी शुरू हो जाती हैं एक दूसरे को देख के दिल में ठंड पड़ जाती है पर अब हम एक दूसरे से इतना गुस्सा क्यों रहने लग गए हैं लाइक क्या हो गया है जो पहले जैसा नहीं है जैसे जैसे समय बढ़ता है चीजें बदलती जाती हैं हस्बैंड का रवैया आपकी तरफ डिफरेंट हो सकता है आपको लगता है कि वो मेरे पति बदल गए पर एक्चुअल में आपने अपने आप में कभी झाक के देखा है कि आप बिल्कुल सेम है आप भी बदल गए होंगे आपको बहुत सारी सिचुएशन बदल देती है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल देती हैं आपको कि, आपको कितना कुछ हैंडल करना पड़ता है पूरे घर की जिम्मेदारी आप पे आपके हस्बैंड पे है आपके पास बच्चे हैं यू नो धीरे धीरे ये रोजमर्रा की जिंदगी आपके रिलेशन को फीका कर देती है यू नो वही सेम ओल्ड सेम ओल्ड नॉर्मल है अगर आप अपने हनीमून पीरियड में ही फंसे रहेंगे तो बहुत ज्यादा अंदर से दुखी फील करेंगे क्योंकि कुदरत का नियम है बदलाव ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें हमेशा बदलेंगी सेम नहीं रहेंगी अगर आप समय को पकड़ के रखते हैं ना तो आप दुखी हो जाते हैं क्योंकि समा बदलता है आप बदल रहे हैं आपकी सेहत बदल रही है आपकी लुक बदल रही है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ चेंज हो रहा है आपको चेंज के साथ चेंज होना चाहिए चेंज बहुत ही प्यारा है अगर आप सेम रहेंगे तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी चेंज के चलते हुए अपनी शादीशुदा जिंदगी को रोमांटिक uh, बना के रखना एंड प्यार से हैप्पीली जीवन को जीना uh, वो आप कर सकते हैं एंड आल्सो आप दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी शेयर करते हैं लाइफ पार्टनर्स सो एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हुए कदम से कदम मिला के चले एंड अपनी जिंदगी को बहुत प्यारे ढंग से जी सकते हैं रोमांस एंड प्यार को बरकरार रखते हुए क्योंकि किसको अच्छा लगता है दुखी जीवन जीना पति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा वो भी चाहेंगे रोमांस एंड लव ऐसा क्या हो गया कि रोमांस खत्म हो गया मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो गया जिंदगी हो गई कि इस वीडियो में मैं आपको एक मैजिक पोर्शन बताने वाली हूँ जिसको यूज करके आप अपने पति को अपने प्यार में फंसा सकते हैं आप अपने पति के दिल की रानी बन जाएंगे एंड इस इन टिप्स को यूज करके आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपके पति आपके दिवाने हो जाएंगे आपके पति को समझ में नहीं आएगा कि उनको आपसे इतना प्यार दोबारा से कैसे हो गया वैसा नहीं होगा बट मेरे हिसाब से अगर आप दोनों में प्यार है तो आपका रिश्ता पहले से और ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ये आप कर सकते हैं पर ऐसा कोई मैजिक पोर्शन नहीं है कि आप अपने पति को अपने प्यार में फंसा लें या वो हमेशा आप ही के बारे में सोचते रहें ऐसा बंदा भी किसको अच्छा लगता है जो हमेशा आप ही के पीछे घूमता रहे यस मैन बन के हर एक बंदे की इंडिविजुअल ऐसा बंदा भी किसको अच्छा लगता है जो हमेशा आप ही के पीछे घूमता रहे यस मैन बन के कि ओ तुम ही हो तुम ही हो इससे भी हम गुस्सा हो जाते हैं हमें चाहिए कि पति की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो बट आपको प्यार एंड रिस्पेक्ट भी करे एंड अच्छा बिहेव हो हमारे घर में हम जब घर में सभी स्पेंड करें बहुत हूं। so, इसके लिए मेरे पास कि इससे बहुत पता है मुझे कुछ पता नहीं है बस ये थोड़ी बहुत चीजें मुझे लगता है जो मेरे लिए काम करती है या फिर मुझे रिश्ता so, मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशन को 16 साल हो चुके हैं मैं बहुत छोटी थी जब हमने शादी कर ली थी मैं कुछ ही महीने पहले टी टर्न हुई थी एंड मेरे हस्बैंड 24 थे काफी लंबे समय से हम एक दूसरे के साथ हैं। रब से दुआ करती हूँ कि और बहुत सारे साल हो एंड मे बी और कितने सारे जन्म एल पति चेंज चाहते हो आई डोंट नो सो या आपके साथ टप शेयर करती हूँ वैसे कोई मैजिक पोर्शन नहीं है कि जो आप पियेंगे या पति पर छिड़केंगे तो पति आपके दीवाने होते चले आएंगे सो so गायज ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि अगर आपके पति आपको प्यार या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो कोई मैजिक पोर्शन नहीं है जो आप उनको देंगे या उन पर छिड़केंगे तो आपको प्यार करना शुरू कर देंगे उसके लिए आपको उनसे बातचीत करनी पड़ेगी कि आपको प्रॉब्लम क्या है ये टिप नंबर वन है कि अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें पता ही नहीं होता है कि हम कौन हैं क्या चाहते हैं बस यू नो पति के पीछे 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 घूमते रहते हैं या फिर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन करते हैं हमारा पति हमारे लिए ये करे ये करे ये करे हमारी अपनी कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं है अगर हस्बैंड हमें प्यार देगा तो हम हैप्पी फील करेंगे या हस्बैंड हमें अच्छा बिहेव करेगा तो हम खुश होंगे दुखी होंगे सैड होंगे एंग्री होंगे अदरवाइज हमें पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या आपको अपने बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने बारे में जानते हैं तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू पर अगर नहीं जानते हैं तो ज़रूर से जाने अपने आप को क्वेश्चन पूछें कि कौन हूँ मैं मुझे क्या अच्छा लगता है मैं कैसे सिचुएशन में अच्छा फील करती हूँ जर्नलिंग करें आपको पता चलेगा अपने बारे में ऐसी चीज़ें जो आपने कभी सोची नहीं होंगी जब आपकी पर्सनालिटी इंडिविजुअल होती है स्पेशली अगर आप अपने बारे में जानते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं क्योंकि आपको कॉन्फिडेंटली पता है कि किसी सिचुएशन में आप कैसा बिहेव करेंगे कैसी सिचुएशन में आप कैसे होंगे सो so, जितना अपने आप को जानेंगे अपनी पसंदीदा चीज़ें करेंगे और अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी रखेंगे पति से दूर उतना ही आप अट्रैक्टिव कॉन्फिडेंट होंगे उतना ही आपके हस्बैंड भी आपकी तरफ आकर्षित होंगे कि यार शी इज़ अमेजिंग सो so, अपने बारे में जानना माइंडफुलनेस वाली एक्सरसाइजेस करना अपनी हॉबीज पे ध्यान देना कि आप कौन सी चीज करते हैं कि जिसमें आपको बहुत खुशी मिले मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको नहीं पता होगा कि कौन सी चीजें आपको खुशी देती हैं येस एवरी डे वाली यू नो ऑटो पायलट वाली चीजें आप रोज करते हैं क्लीन कुक ये वो अगर जॉब करते हैं वहां पे जाते होंगे बट आप कैसे इंसान हैं ये आपको पता ही नहीं होगा सो so, जरूर से अपने ऊपर काम करें गाइस हमें एक ही जिंदगी मिली है तो आपका अपने बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, तभी तो आप फुली जी पाएंगे जब आप अपने बारे में जानते होंगे जब आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं ना तो आप एक बहुत ही अमेजिंग एनर्जी रेडिएट करते हैं एंड बहुत पॉजिटिव लगते हैं एंड ऐसे बंदे के साथ हर कोई समय स्पेंड करना चाहता है दोस्त भी अट्रैक्ट होंगे लोग भी होंगे पति भी होंगे और आपके फैमिली के बाकी मेम्बर्स भी होंगे क्योंकि नेगेटिव नैन्सी किसी को पसंद नहीं है जो हमेशा नेगेटिव बातें करे या दिल दुखाने वाली बातें करे या हमेशा रोता रहे कि मेरा पति ऐसा है ऐसा है ऐसा है अगर आप अनबॉदर्ड रहेंगे इन चीज़ों के लिए हर एक आप हर एक बंदा आपसे बातचीत करना चाहेगा अगर आप अपने हस्बैंड से बात करते हमेशा कंप्लेन करते रहते तुम ये नहीं करते ये नहीं करते ये नहीं करते तो उससे भी आपसे बात करना अच्छा नहीं लगेगा और दूर दूर रहना शुरू कर देगा जो आपको बहुत बॉदर करेगा सो पॉजिटिव इंसान बने अपने बारे में जाने और अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जरूर से बना के रखें दूसरी टिप है मेन्टेन In क्योंकि के बाद कौन देखने वाला है यू you नो know, अपनी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं उनकी अगर आप सुबह उठ के या फिर दिन के किसी भी समय शीशे के सामने खड़े हो के वैसी सिचुएशन में अपने आप को देखेंगे आपको कैसा लगता है कॉन्फिडेंट फील करते हैं आप आप अपने दोस्त बनना चाहेंगे आपको खुशी होती है देख के कि यार कौन बन रहा सो हस्बैंड को कैसे होगी खुशी आपको देख के आपका यू नो एवरी डे अपने ऊपर समय स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो थोड़ा सा तैयार हो पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें अच्छे से कपड़े पहने बहुत सारे लोग जिस कपड़े में सोते हैं वही कपड़े में वो दोबारा से सो जाते हैं मतलब पूरा दिन कपड़े भी चेंज नहीं करते हैं सो so, नहा के अच्छा थोड़ा सा दस पंद्रह मिनट वाला रूटीन रखें मेकअप नहीं करना अच्छा लगता है तो स्किन केयर करें अपनी स्किन को थोड़ा सा अच्छा करें बालों को बना के रखें और एक ऐसी यूनिफॉर्म से तैयार कर लें अपने घर के लिए कि आप हमेशा उस यूनिफॉर्म में रहेंगे वो कुर्ती हो सकती है आप ट्राउज़र एंड शर्ट पहन सकते हैं कुछ भी सिंपल सा ये नहीं है कि आप पार्टी वाले कपड़े पहन के बहुत ही परी बन के घूमते रहें बट नॉर्मल सोने वाले कपड़ों से कुछ डिफरेंट ऐसे कपड़े रखें जो आप यू you नो know, प्रजेंटेबल लगें आपको भी अच्छा फील होगा आप करके देखना आपको भी अच्छा फील होगा जब हस्बैंड जॉब से घर आएंगे तो आपको देख के उनको भी अच्छा लगेगा कि यार शी सो क्यूट ऑल्सो मेंटेन योर सेल्फ में ये भी आता है कि मेडिटेशन करें जब आप मेडिटेट करते हैं या यू नो ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं बेशक पाँच मिनट के लिए जब सुबह उठते हैं एक रूटीन सा बना लें कि नहाने के बाद स्किन केयर के बाद मैं थोड़ा मेडिटेट करूँगी एंड बो डाउन करूँगी इस यूनिवर्स को कि उसने मुझे इतना ब्यूटीफुल घर दिया इतना ब्यूटीफुल पति बच्चे एंड इतनी अच्छी हेल्दी लाइफ एंड मैं बहुत ज्यादा थैंक ग्रेटिट्यूड दिखाएं बहुत अच्छा फील करेंगे एंड फिर जो ब्यूटी रेडिएट होगी इन साइड से आउटसाइड आप फील कर पाएंगे उसको एंड आपके हस्बैंड भी एंड उससे जो ब्यूटी रेडिएट होगी इनसाइड आउट आप भी फील कर पाएंगे आपके बच्चे भी एंड आपके हस्बैंड भी आप ये चीज करके देखना आप डिफरेंस जरूर से फील करेंगे तीसरी चीज़ है कि हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें बदतमीजी मत करें उनको बदतमीजी से मत बुलाएं अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि जब पति पत्नी की रिस्पेक्ट करता है तो उससे बहुत अच्छा लगता है जब हस्बैंड डिसरिस्पेक्ट करे आपको कितना हर्ट होता है ना हम लोग कभी उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर बदले में आपको भी चाहिए रिस्पेेक्ट uh, करने वाली पत्नियाँ हर एक पति को बहुत अच्छी लगती हैं एंड सपोर्ट करें उनको जब भी उनको सपोर्ट की ज़रूरत है लोगों के साथ उनको कंपेयर मत करें कि उसने ये कर दिया हो कंपेरिजन किसी को अच्छा नहीं लगता जब आपके पति आपको किसी के साथ कंपेयर करते कितना गुस्सा आता है राइट फिर उनको रिस्पेक्ट करें लोगों के साथ कंपेयर मत करें रिस्पेक्ट कितना कुछ बदल देगी आपको अंदाजा नहीं है आप ट्राई करके देखना मेरे बारे में एक चीज़ बताती हूँ मैं तो मेरे हस्बैंड का नाम भी नहीं लेती हूँ नाम लेने में कोई खराबी नहीं है वैसे लेना चाहिए अगर आपको अच्छा लगता है बट जितना रिस्पेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा जैसा हमारा कल्चर है ना हम ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे तो हर कोई हर एक का नाम लेता है बट जहाँ से हम आते हैं जो हमारी रूट्स हैं हमें सिखाया जाता है कि आपको इज़्ज़त देनी चाहिए और या इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त मिलेगी ज़रूर से ट्राई करना ये टिप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ऐसा नहीं है कि आज आप तू तड़ाक कर रहे हैं कल से आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे वही चीज़ें चेंज करें जो आप मेंटेन कर सकते हैं ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए नहीं है ये आपको लाइफस्टाइल बनाना है कि हमेशा आपको ऐसे रहना है अगर आपको रिटर्न में चीज़ें चाहिए सो so, आपको देना भी पड़ेगा वैसे ही ओके okay, गाइस एक और चीज़ है कि अपने घर को प्यारा सा मेंटेन करके रखें यही नहीं है कि सारे घर के काम आप ही की ड्यूटी है आप बांट सकते हैं चोर्स अपने हस्बैंड में अपने बच्चों में बट जितना आप घर को मेंटेन करके रखते हैं ना हस्बैंड को अच्छा लगेगा एंड आपको भी अच्छा लगेगा मैंटेन एंड ऑर्गेनाइज एंड क्लीन घर सभी को अच्छा लगता है एंड ये स्परिचुअलिटी एंड रिलीजन में भी है कि जितना आपका घर क्लीन ऑर्गेनाइज होगा मैंटेन होगा उतना ही घर में खुशियाँ आएंगी क्योंकि खुशियाँ उसी घर में आती हैं जो घर खुशियों के लिए तैयार होता है अगर आपका घर मैसी है क्लट है आप बिखरी पड़ी हैं घर बिखरिया प्या है, है कहाँ खुशी आ जाएगी उसमें पति थका हुआ ऑफिस से आया घर की हालत खराब बच्चे रो रहे आप तो बाल खिल रहे हो की प्यार पति करूंगा हम डेज के लिए चौकी आपको हर टाइम पिक्चर परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है बट कोशिश करेंगी आपका घर अच्छा मेंटेन हो बेशक उसमें से कुछ टास्क आपके पति ने किए हो आपके बच्चे ने कुछ आपने ये नहीं है कि आप भी बस मेड बन जाओ पर या मेनटेन रखें एक ना शेड्यूल बना के रखें कि इसके हिसाब से मेरा घर होगा तो उसी पे काम करें एक और चीज़ है कि जब भी आप खाना बनाते हैं प्लीज़ प्यार से बनाएं क्योंकि जो खाना है जब आप बनाते हैं तो उसमें बहुत एनर्जी जाती है अगर आप गाला कट के बनाएंगे और मे भी थाट्स क्रिएट कर रहे हैं रोटी बना रहे हैं पति को गाला कट रहे हैं पति को बदुआएँ दे रहे हैं सो जहर बन रही है खाना वो खाना पति खाएगा तो फिर जैर ही उगलेगा सो अगर नहीं बनाने के लिए मन है दिल से नफ़रत आ रही है ना बनाएं पर जब बनाना है तो प्लीज प्यार से बनाएं अगर आपने गंदे थॉट्स क्रिएट कर भी दिए हैं रोटी बनाते हुए तो जब आप उनको परोसते हैं तो तीस सेकेंड के लिए रोटी को अपने हाथ में लगा के प्रेयर करें ग्रेटिट्यूड दिखाएं एंड उसको शुद्ध करें एंड कहें कि मैं अपने हस्बैंड को कितना लव करती हूँ मैं अपने फैमिली को कितना प्यार करती हूँ ये सारी एनर्जी उस फूड में भरें एटलीस्ट थर्टी फोर्टी सेकेंड्स के लिए वो प्रेयर बोलें तो आप वो वाला फूड अपनी फैमिली को फीड करें जहर वाला मत फीड करें नहीं कुक कर सकते हैं तो मत करें पर नफ़रत वाला फ़ूड मत कुक करें क्योंकि अगर वो आपके पति ग्रहण कर लेंगे तो घर में ग्रहण लग जाएगा आपको पता भी नहीं चल रहा है कि जब आप फूड कुक कर रहे हैं थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं हस्बैंड से हेट आ रही है आपको कि यार सारा कुछ मैं ही कर रही हूँ ये क्यों बैठा रहता है ये वो एंड फिर आपको पता भी नहीं है कि वो फूड खा के हमारी लड़ाई क्यों होगी अभी तो मैंने तुम्हें तो खाना खिलाया अब क्यों लड़ रहे हैं हम लोग राइट सो so, फूड का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसीलिए जब हम किसी रिलीजियस प्लेस पर फूड खाते हैं कितना मज़ा कितनी सेटिस्फैक्शन आती है क्योंकि वहाँ पर हमेशा चल रहा होता है शबद चल रहे होते हैं कीर्तन चल रहा होता है सो so, वो जो फूड है वो प्रसाद बन जाता है सो so, अगर आप फूड बना रहे हैं तो प्लीज़ शब्द कीर्तन ही बोलें नफरत वाली चीजें मत बोलें सो so, अगला है कि अपनी जिंदगी में थोड़ा सा रोमांस लेके आए अभी मैं बहुत ही बुरा कैंडिडेट हूँ रोमांस की बातें करने के लिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शायद हूँ ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ या बहुत सारी चीज़ें बट रोमांस को लेकर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शर्माती हूँ एंड ऐसे लगता है मैं ऐसे शर्माती हूँ जिदा मैं स्कूल में हूँ एंड uh, मैं तो इतना शर्माती हूँ गायस कि मैं मेरी आई हस्बेंड की आइज़ में आइस डाल के भी देख नहीं पाती हूँ आई डोंट नो आप इस चीज़ पे यकीन करेंगे या नहीं बट ये सच है सो so, या yeah, जैसे भी आप रोमांस अपनी जिंदगी में ला सकते हैं लेके आए प्रावा आई डोंट नो हाउ टू डू इट बस मेरे लिए मुझे लगता है मैं रोमांटिक यही करती हूँ कि लव यू बोलती हूँ हस्बैंड को क्वाइट ऑफन है इधर उधर जाने जूं आंदे बस यही कर सकती हूँ इससे ज़्यादा और चीज़ें नहीं कर सकती हूँ मैं आपकी इंटीमेट जिंदगी है जो वो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड हेल्दी होनी चाहिए क्योंकि वो आपकी शादी को स्ट्रॉन्ग बनाता है अगर आप कि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज एक्सपर्ट से हेल्प लें एक और चीज़ है कि अपनी इंटीमेट जिंदगी के बारे में कभी भी किसी के साथ डिस्कशन मत करें आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये बाहर लोगों को बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आती है ना आपका रिश्ता उखड़ जाता है अगर आपकी जिंदगी आप एक दूसरे से खुश हैं तो बहुत अच्छा है पर अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है तो जरूर से किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें क्योंकि ये आपकी शादीशुदा जिंदगी को प्यारा बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगली टेप है कम्युनिकेट कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है आप किस चीज से ना खुश हैं आपको पति की कौन सी चीजें नहीं अच्छी लग रही है उनको बताएंगे तो शायद सोल्यूशन निकलेगा अगर नहीं बताएंगे दिल में रखेंगे पॉइजन बनती जाएगी एंड आपको धीरे धीरे अपने पति से हेट होना शुरू हो जाएगा सो so, कई बार यू नो चीजें बहुत बड़ी नहीं होती हम सोच सोच के बहुत बड़ा बना लेते हैं जब आप पति को बताएंगे तो उनको लगेगा ओ ओके ओके मैं दोबारा से ऐसे नहीं करूंगा अगर उनको पता ही नहीं होगा तो शायद वो सोचेंगे ये चीज ही कुछ नहीं है और पर आपके लिए वो चीज बहुत बड़ी होगी सो कम्युनिकेशन इज द की अगर आप कम्युनिकेट करके बता सकते हैं तो जरूर से बताएं मेरे पास में कुछ एक चीज है जो मेरे हस्बैंड बहुत फ्रीक्वेंटली करते थे एंड मुझे बहुत गुस्सा आता था पर मैं बोल नहीं पाती थी क्योंकि मुझे लगा कि क्यों हर्ट करना उन्हें जिस दिन मैंने उनको बोला कि ये तुम जब करते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है एंड uh, मैं बहुत ज्यादा अम्बेरस फील करती हूँ एंड uh, बहुत साल हो गए इस चीज़ को मुझे लग रहा कि पांच छह साल हो गए होंगे उसके बाद उनको मैंने वो चीज करते कभी नहीं देखा तो साल मुझे पता नहीं मैंने उनको क्यों नहीं बताया पर जब मैंने उनको बताया उसके बाद मैंने नोटिस किया कि उन्होंने वो चीज़ कभी दोबारा नहीं की क्योंकि पहले उनको पता ही नहीं था कि इस चीज से मैं बॉदर हो रही थी सो कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगली टिप है कि प्लीज उनके दोस्तों के साथ एंड उनकी फैमिली के साथ मीन मत बने उनको डिसरिस्पेक्ट मत करें जब भी आप दोनों की लड़ाई होती है जो कि होगी पर उस लड़ाई में चलते कभी भी उनकी फैमिली को ड्रैग मत करें क्योंकि जो आपके वर्ड्स हैं ना वो जख्मों से ज्यादा बुरे होते हैं जख्म भर जाते हैं पर वर्ड्स हमेशा याद रहते हैं सो so, शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करें आई डोंट केयर कि आप कितने एंग्री हैं पर ये चीज की खा लें कि जब भी आप लड़ेंगे आपकी फैमिली उस लड़ाई में नहीं आएगी ना वो आपकी फैमिली को लेके आएंगे ना आप उनकी फैमिली को लेके आएंगे क्योंकि जब आप आप कितना अटैच होता है ना अपनी फैमिली से अगर आपकी फैमिली को आपकी मॉम को आपके डैड को कोई बुरा बोलता है आपको सबसे ज्यादा हर्ट होता है एंड जब आपको कोई इतना ज्यादा हर्ट करता है फिर धीरे धीरे आप उससे हेट करना शुरू कर देते हैं सो जब शादी रिश्ते में हेट आ जाती है तो उसको सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है सो मेक श्योर करें कि जब भी आप लड़ें एक दूसरे के साथ लड़ें एक दूसरे के बारे में जो कुछ भी बोले आप भूल जाएंगे अगर आप उनकी फैमिली को ड्रैग करेंगे तुम्हारी मम्मी ने ऐसे किया तुम्हारे डैडी ने ऐसे किया तो चीजें बहुत खराब होंगी ये चीज बिल्कुल कभी मत करें पता भी नहीं चलेगा कि आपने लड़ाई की थी आप टोटली totally सेम हो जाएंगे पर अगर आप कुछ बुरे शब्द बोल देंगे उनकी फैमिली के लिए तो वो आपको चुपते रहेंगे डीप इनसाइड साइड सो मेक श्योर करें कि आपकी लड़ाई में फैमिली को कभी भी ड्रैग मत करें जितना मर्जी गुस्सा है कि मुझे हीट ऑफ द मोमेंट में पता नहीं चला पर इस चीज का ख्याल रखना है आपको कभी फैमिली को बुरा नहीं बोलना है जो बंदा आपकी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करता है ना उससे प्यार करना बहुत मुश्किल हो जाता है बेशक वो लड़की अपने पति की फैमिली के बारे में बुराई कर रही हो या पति अपनी पत्नी के बारे में फैमिली के बारे में बुरा बोल रहा हो नॉट एक्सेप्टेबल बिग नो नो कर दें इस चीज को अगली चीज है कि जब आपकी लड़ाई होती है फॉरगिव करें एंड फॉरगेट करें फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए एंड फॉरगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरगेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जब आपकी लड़ाई हुई सब कुछ सॉल्व हो गया एंड फिर से वो गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे दस साल

मैं उसके बारे में स्टोरी टाइम बनाऊंगी बट उन दिनों में हम डेट करते थे आ, पर शादी के बाद वाली लड़ाइयां हम लोग याद ही रखते हैं बस रब की दया है कि हम लोग कम लड़ाई करते हैं बट या जब लड़ते हैं भूल जाते हैं एंड फॉरगिव कर देते हैं फॉरगिव कर देते हैं एंड फॉरगेट कर देते हैं अगले टपहे है की एडजस्ट करना पड़ेगा चीज़ें आपके हिसाब से हमेशा नहीं होगी कुछ चीज़ें आपके हस्बैंड को एडजस्ट करनी पड़ेंगी कुछ आपको करनी पड़ेंगी कई बार होता है कि यू नो हज वाइफ बहुत ही ज़्यादा क्लीन फ्रीक होती है पति बहुत सारा गंद मचाते हैं जैसे मेरे केस में है पति बहुत गंदी में जाते हैं बट ये है कि पति को बहुत सारा चीज़ें दिखती नहीं है और मैं हूँ वर्गों में बहुत ही ज़्यादा माइक्रो मैनेज करती हूँ बहुत ही ज़्यादा पिद्दी पिद्दी परफेक्शन भी मुझे दिख जाती है जो पति को दिखती नहीं वो ऐसे घूमते रहते हैं कि नहीं। मुझे तो इतना सा भी कुछ दिख जाएगा कि वहां पे स्क्रैच है वहां पे गंद है वहां पे डस्ट ऐसे हस्बैंड को नहीं पता चलता है सो so, इस केस में क्या है कि मैं अपने हस्बैंड को बदल के बिल्कुल मेरे जैसा बना लू बना नहीं सकते हैं पर मुझ में कुछ मैजिक पावर थी कि मैंने बना दिया है मेरे हस्बैंड को काफी मेरे जैसा बट स्टिल उनको बहुत ज्यादा चीजें नजर नहीं आती है बट या बहुत सारी चीजों में बोलती हूँ कि शूज यहाँ पे मत रखो ये चीज वहां पे मत रखो ये यहाँ पे रखो ये यहाँ पे रखो ऐसे होना चाहिए हस्बैंड कुछ दिन के लिए फॉलो करते हैं फिर पुल जाते हैं फॉलो करते हैं क्योंकि उनको भी पता लगता है कि घर जब मेंटेन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज होता है तो हमारा उसमें जीना आसान हो जाता है एंड खुशनुमा हो जाता है एंड इसलिए वो उन चीजों को फॉलो करते हैं यहाँ पे मुझे लगता है है कि उन्होंने इस चीज को एडजस्ट किया है। इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी आसानी है बट बहुत ज्यादा लोग जिद करते हैं कि नहीं मैं अपने शूज यहाँ पे फेंकूंगा तो यहीं पर फेंकूंगा तुम जो मर्जी कर लो पत्नी बेचारी दुखी होकर फिर से उसको उठा के शू रैक में रखेगी शू क्लॉजेट में रखेगी पर यार हस्बैंड ने एडजस्ट किया है यहाँ पे मैंने काफी चीजें उनमें बदल दी है पर बहुत ज्यादा चीजें नहीं भी बदल पाई हूं मैं और इतना टेंशन नहीं लेती हूँ बट ये है कि मैं उनको बता देती हूँ कि तुम ये जो चीज़ कर रहे हो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही अगर तुम ये चीज वहां रख दोगे तो अच्छा होगा जैसे पिछले किसी व्लॉग में मैंने दिखाया कि उन्होंने टावल रखने की नई जगह ढूंढ लिया मैंने उनको कहा कि मत रखो उन्होंने हफ्ता नहीं रखा मैं खुश हो गई कि ओ मैंने मेरे पति को बदल दिया है और उन्होंने फिर पिछले वीक से फिर से रखना शुरू कर दिया इस बार मैंने नहीं कहा कि इट्स ओकेट लेट इट गो कि जैसे उसको जीना है जीने दे पर मैं एंड ऑफ द डे हस्बैंड को बदल तो दूंगी ये मजाक कर गाइस आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अगर आप अपने किसी के जीने के तरीके को फोर्स करते हैं ना तो फिर हर्टिंग हो जाता है वो अपने घर में खुद नहीं बन के रह सकते हैं घर ऐसा होना चाहिए कि आप यू आर फ्री टू बी यू जो भी आपको करना अच्छा लगता है जैसे भी बैठना जैसे जो भी तो so इसलिए आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन मत लगाए लास्ट स्टेप है अगर आपको अपने पति के बारे में कोई चीज़ें पसंद नहीं हैं तो आपने उनको कम्युनिकेट करके बता दिया चीज़ें सॉल्व हो गई सबसे ज्यादा चीज ध्यान रखने वाली यह है कि आप उनके बारे में कभी भी बैड थाट्स क्रिएट मत करें क्योंकि थाट्स चीजें बन जाती हैं कर्मा क्रिएट हो जाता है एंड जब आप अपने थाट्स क्रिएट करके अपने पति को हेट कर रहे हैं उसकी नुक्स निकाल रहे हैं कि यार आज ने ऐदा क्यों कर दिया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ही इज वेरी मीन ये जो थाट्स क्रिएट कर रहे हैं ना धीरे 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 वो चीज़ बन जाएगी एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पति की पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो गई क्योंकि जो नेगेटिव थाट्स हम क्रिएट करते हैं वो बहुत ज़्यादा क्विकली वर्क करते हैं थाट्स इतनी जल्दी ट्रैवल करते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते यू you नो know, अगर कोई बंदा आपके बारे में बैड थाट्स क्रिएट कर रहा है सो so आपको पता भी नहीं चलता कि आपको उससे हेट क्यों हो रही है आप उससे दूर क्यों हो रहे हैं आप उसको पसंद क्यों नहीं कर रहे ये सारे थाट्स का कमाल है इतनी जल्दी ट्रैवल करते हैं सो so, अगर आपको अपने पति के बारे में कुछ पसंद नहीं है या कोई चीजें आपको हर्ट कर रही हैं थॉट मत क्रिएट करें एंड मन घड़त कहानियां अपने दिमाग में बनाते मत रहें सोचे मत एक्स्ट्रा जजमेंटल मत हो उनको डायरेक्टली बता दें सो so, जब भी थाट्स क्रिएट करने हैं प्यारे लविंग रोमेंटिक थाट्स क्रिएट करें अपने हस्बैंड के बारे में बताएं थॉट्स में कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ आज तुमने ये किया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है विश कि तुम ये चीज दोबारा कभी मत करो बट मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा आई रियली 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 लव यू ऐसे एफ्रमेशन बोलें बट बुरे थॉट्स कभी मत करिए एंड आखिर में ये चीज बताना चाहूंगी कि अपनी शादी शुदा जिंदगी के बारे में चीजें लोगों के साथ कितने yes, अगर उनको पता चलेगा कितनी लड़ाई करते हैं किसी को इंटरेस्ट नहीं है बट या थोड़ा टॉपिक मिलेगा गॉसिप का एंड आप कितनी लड़ाई करते हैं वो इतने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे वाइब क्रिएट करेंगे आप एक दूसरे को और ज्यादा हेट करनी शुरू कर देंगे आपकी जो भी सिचुएशन है जितनी देर तक आप एक दूसरे दूसरे के साथ डील कर सकते हैं डील करें जब नहीं कर सकते हैं किसी प्यारे फैमिली मेंबर की हेल्प लें पर यस अब एमए फालतू दोस्तों मित्रों में चीजें मत फैलाएं हर चीज बताने की जरूरत नहीं होती है सीक्रेट रखा करें ऑलरेडी right, दोस्तों सो ये प्यारी टिप्स के बाद आपके पति आपके प्यार के चंगुल में जरूर से फंस जाएंगे एंड आपके टीफाने हो जाएंगे आई होप इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड आप ऐसी और वीडियोज देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट बार में बताना एंड इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने प्यारे प्यारे दोस्तों मित्रों के साथ जरूर से शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी भी प्यारी बन पाए एंड मैं आपको मिलती हूँ कल नए वीडियो में अपना ख्याल रखें आई लव यू Very much. Bye bye.